हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सरकारी स्कूल की शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, जहां से वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। 27 जुलाई को विज्ञापन जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। सैलरी इसमें 24,200 पर मंथ जो है इसमें फुल टाइम टीचर्स की रहेगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये वैकेंसी है। 3 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी है। फिलहाल आयु सीमा 25 से लेकर 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकती हैं। केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करने के योग्य रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को भेजना होगा बाय पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट करेंगे आप लोग 12 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शैक्षिक और शैक्षणेतर कर्मिकों के रिक्त पदों पर नवीन चयन की कार्रवाई, शासन आदेश संख्या। तो ये उत्तर प्रदेश लखनऊ से वैकेंसी है, गौतम बुद्ध नगर से। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार गौतम बुद्ध नगर। इसमें विद्यालय का नाम है दनकौर मॉडल 2। इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका साइंस के टीचर की वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी में रिक्त पदों की संख्या 1 है। इसमें सैलरी 24,200 फुल टाइम टीचर्स की रहेगी और हाफ टाइम टीचर्स की वैकेंसी 12,181। तो साइंस के लिए स्नातक ग्रेजुएट आपका, साथ में बीएड और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसी भी राज्य का टेट चलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा की जो वैकेंसी है इसमें 1 अनारक्षित और 1 अनुसूचित वर्ग के लिए है। कुल 2 पद हैं इसमें कंप्यूटर टीचर के लिए। दनकौर मॉडल 2 में ही ये जो स्कूल है इसी में वैकेंसी है। तो इसमें ग्रेजुएशन, साथ में आपने जो है बीएड किया है या PGDCA किया है, BCA किया है, BSc कंप्यूटर साइंस से किया है या फिर आपने ओ लेवल ए लेवल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में। उसके बाद दूसरा स्कूल है दादरी मॉडल 1। इसमें पूर्णकालिक लेखाकार की वैकेंसी है। तो कॉमर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कंप्यूटर पर MS ऑफिस की नॉलेज। 13,673 इसमें सैलरी है। पूर्णकालिक लेखाकार दनकौर में भी जो है वैकेंसी है, सैलरी बिल्कुल समान है। दादरी मॉडल 1 और दादरी मॉडल 1 इसमें रसोईया और चपरासी की वैकेंसी है। अलग अलग सैलरी है, 6,433 रसोईया और 7,147 चपरासी की है। ये सभी महिला वर्ग के लिए ही वैकेंसी है। कुल इस पदों की संख्या जो है 7 है। यदि आप आवेदन करेंगे, यहाँ आप देखें पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक लेखाकार, सहायक रसोईया, चपरासी के पद पर महिला अभ्यर्थी ही केवल अप्लाई कर सकती हैं। अंशकालिक शिक्षिका पद के लिए अतिरिक्त उक्त समस्त पद पूर्णकालिक होंगे। सहायक रसोईया चपरासी का चयन जो है यहाँ पर इंटरव्यू के बेस पर होगा। बाकी जितने भी पद हैं तो मेरिट के आधार पर चयन होगा, परीक्षा नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। जितने आपके ग्रेजुएशन में, बीएड में मार्क्स हैं उसके आधार पर मेरिट निकाली जाएगी और उसके बाद जो है सिलेक्शन किया जाएगा। यदि आप अप्लाई करेंगे तो ध्यान दें, आवेदन पत्र के साथ में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आपके जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो सभी आप लोगों को आवेदन पत्र के साथ में लगा देने हैं। फोटोकॉपी ही लगानी है आप लोगों को। काउंसलिंग के समय आप लोगों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आवेदन पत्र के साथ में स्वयं का पता लिखा 2 लिफाफे, जो कि प्रत्येक जो लिफाफा है जिसमें 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो, ये जरूर आप लोगों को लगाना है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आप क्या लिखेंगे? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, पद का नाम लिखेंगे, विज्ञापन संख्या जरूर लिखें, ठीक है। विज्ञापन संख्या जो है ऊपर देखें, यहाँ पर आपको दिखेगा विज्ञापन संख्या, ये विज्ञापन संख्या है 6279 2024-25, ठीक है। और एड्रेस भी आपको यहाँ ऊपर ही मिलेगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर, पिन कोड 201306, लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ आपको गलती नहीं करनी है, अगर फॉर्म ही गलत हो गया
तो उसके बाद जो है आप वेट ही करते रहेंगे। रिक्तियों की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है, प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। तो ये पूरा विज्ञापन मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी सभी, जो भी आवेदन करने के इच्छुक रहेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।